यूपी के अलावा बाकी चार राज्यों के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मणिपुर में दो चरणों तो बाकी तीन राज्यों में एक एक चरण में वोटिंग होगी। पंजाब की 117 सीटों पर 4 फरवरी को वोटिंग, तो उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए 15 फरवरी को वोटिंग और गोवा की 40 सीटों पर 4 फरवरी को वोटिंग होगी। मणिपुर की 60 सीटों पर पहले चरण में 38 सीटों पर 4 मार्च को वोटिंग कराई जाएगी, तो दूसरे चरण में बची 22 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। चारों राज्यों का चुनावी रिजल्ट 11 मार्च को ही आएगा। गोवा में डेट ऑफ नोटिफिकेशन 11 जनवरी और पंजाब राज्य में चुनाव 4 फरवरी 2017 शनिवार के दिन। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। चुनाव का ऐलान होते सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। अमन शांति हमेशा पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है कभी गड़बड़ नहीं हुई। हमारी मैनिफेस्टो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कई महीनों से हमने बनाया है। हमने दे चेक किया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को दिया है। नहीं, हम लोग तो बहुत दिनों से आस लगा रहे थे कि चुनाव जल्दी हो और ये जो सरकार विकास विरोधी है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है इससे प्रदेश की जनता को निदान मिले। पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च तो उत्तराखंड में विधानसभा का कार्यकाल 26 मार्च को खत्म हो रहा है।